नयागढ़ रे घन कुहुड़ी आस्तरण रास्ताघाट देखा जाऊना लोके परस्पर मुह देखिपु कुहुड़ी जोगु यातायात रे समस्या देखा देछि। दुई दिन हेलाणी जिले में कुहुड़ी पड़ुछि, सकाळ 8 पर्यंत कुहुड़ी छाड़ूना फल मॉर्निंग वॉक रे जाउतिबा लोके नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। सेपरि गाड़ी चलाचल करुथिबारु सतर्कता अवलम्बन करिबाकु साधारण रे दाबी होइछि। तेरे दुई दिन है नयागढ़ जिले में घन कुहुड़ी देखा मिली, फल लोक मैंने जातायात नाना असुविधार सम्मुखीन होती। सकाल आठटा पर्यंत कुहुड़ी छाड़ूनी, आम जमी कह जो मैंने मॉर्निंग वर्किंग करने जो आसने भी असुविधार सम्मुखीन होती। गाड़ी चालक मैंने असुविधार सम्मुखीन होती, यार भितर गाड़ी चालक मैंने लाइट दे गाड़ी चलना करते कि लोक अभियोग होती जेहेतु घन कुहुड़ी लगी रही मुह को मुह देखा जाऊनी, तेणुक गाड़ी चालक मैंने सावधान सहित लाइट दे स्पीड कमे गाड़ी चलाइप दावी होती। सीधा सड़क आलोचना कह कह बर्तमान जो घन कुहुड़ी होतायात करते बर्तमान तो शीत छाड़गले भी कुहुड़ी बर्तमान दुई दिन है प्रबल मात्रा रे होइसी, 10 फुट दूर भी देखा जाऊना, तेणु आम मॉर्निंग वॉक कर सका गला बेले संजतर सहित जवाक पड़ी। कुहुड़ी तो प्रबल होते गाड़ी मोटर जावास जो कर प्रबल भाव से स्पीड्र लिमिट ना जे जो स्पीड्रे चलेगा आउ विशेषकर सीनियर सिटीजन मानक आ जो मॉर्निंग वॉकर्स रही बहुत समस्या होने छोट छोट पाने भी बर्तमान भी स्कूल खोली जावापर से भी जावासा करते यातायात आरंभ कले देख ली मॉर्निंग रु से किसी स्काउट पिला किसी जाते धला पोशाक यूनिफर्म से जाते भी यहाँ गोटे रिस्क आम से आसेट से गोटे आमपाई गोटे गोटे बड़ विपद तेणु गवर्नमेंट एथप केयरफुल हवा दरकार। जेहेतु आम जाने स्वास्थ्य ही संपद तेणु जिते घन कुहुड़ी हेल्ले सकाल 7:30 है तथा आम निजर शरीर को देखापी सका मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज और रनिंग करसु एत कुहुड़ी गाड़ी भी लाइट भी देखा जाऊनी तथा आम सका रनिंग कर विशेषकर कल आज प्रबल कुहुड़ी रोचे मिनिमम 8टा जाए कुहुड़ी जाऊनी 8टा जाए कुहुड़ी रही आसुच्छे। जेहेतु जिले में कुहुड़ी लग रही पापाग विभाग पक्ष जिले में कुहुड़ी लग रही पूर्व सूचना दिखाई कि गाड़ी चालक उपरे अधिक सतर्क दृष्टि देवा सहित तो स्लो स्पीड में गाड़ी चलाना करने स्थानीय लोक मैंने दावी करते हैं। नयागढ़ नवकिश मिश्र न्यूज 18 ओडिया। चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा पर छात्र छात्री मैंने देय देवे ना पिला परीक्षा फी छाड़ कर राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित मैट्रिक परीक्षा फी छाड़ करने को निर्देश देते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। फी छाड़ बाबद राज्य सरकार बहन करेंगे 27 कोटी टंकार व्ययभार। राज्य में प्राय 6 लाख मैट्रिक छात्र छात्री परीक्षा देउछन्ते, प्रति पिलांक पिछा परीक्षा फी 420 टंका धार्य होइछे। कोरोना महामारी जो चलित आर्थिक वर्ष प्रभाव होगा सहित 9 मास स्कूल बंद पर खोली पिलामानंकु परीक्षा पाई प्रस्तुत करिबा तथा पाठ्यक्रम रे विभिन्न विषय रे थिबा संदेह दूर करिबा पाई श्रेणीगृह पाठपढ़ा आरंभ होइछे। कोरोना जोगु बहु लोकंकर जीवन जीविका मध्य प्रभावित होइछे। मुख्यमंत्रीकर एही निष्पत्ति फळरे अर्थ अभाव रो कोनोसी पिला परीक्षा देबारु वंचित हेबे नाही। मैट्रिक परीक्षा पर फी छाड़ नहीं घोषणा करिछन्ते राज्य सरकार, जहाँ ढेंकानाल छात्र छात्री स्वागत करिछन्ते। गरीब निम्न मध्यवित्त श्रेणीर छात्र छात्री यहाद्वारा उपकृत हो पारे यहाद्वारा हजार हजार छात्र छात्री उपकृत हेबे। कोरोना महामारी जो चलित शिक्षा वर्ष विशेष भाव प्रभावित होइछि। दीर्घ 9 मास काल स्कूल बंद रहिबा परे जनवरी 8 तारिखर 10म श्रेणी को कोविड नियम पालन कर खोला जाइछि। कोरोना जो बहु लोकंकर जनजीवन जीविका मध्य प्रभावित होता बेले मुख्यमंत्रीकर एही निष्पत्ति फळरे अर्थाभाव रो कोनोसी पिला परीक्षा देबारु वंचित रहिबे नाही। मुख्यमंत्रीकर निष्पत्ति को छात्र छात्री और अभिभावक माने स्वागत करिबा सहित खुशी व्यक्त करिछन्ति। मैट्रिक परीक्षा पर फी छाड़ नहीं घोषणा कर राज्य सरकार, जहाक नहीं ढेंकानाल छात्र छात्री माने स्वागत कर गरीब निम्न मध्यवित्त श्रेणी छात्र छात्री माने यहाद्वारा उपकृत हो पारे बोली द्वारा हजार हजार छात्र छात्री उपकृत हेबे। कोरोना महामारी जो चलित शिक्षा वर्ष विशेष भाव प्रभावित होइछे।
ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଫି ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କହିବା ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କହିବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମାଟ୍ରିକ୍ ଫି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବିକାରେ ବହୁତ ଇଏ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ କଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଗତ 9 ମାସ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏଇ 8 ତାରିଖଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ଫି 400 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଏଇ 400 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଦେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବି ରହନ୍ତି। ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିୟମଟା କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ମାଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଛାଡ଼ କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 9 ମାସ ଧରି ଗତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏଇ 8 ତାରିଖରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଅଛି। କିଛି ଅନ୍ୟ ପିଲା ବି କିଛି ବହୁତ ପିଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପଇସା ବି ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମ ସହିତ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କହିବେ କି ସାର୍ ଚଳିତ ଥର ମାଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଫି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ? ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଜୀବିକା ଜୀବନ ଉପରେ ବାଧା ଆସିଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର କମ୍ ଥିଲା, ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅନେକ ଗରିବ ଗୁରୁବା ପିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧାରେ ଦେଇପାରିବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍। ପିଲାମାନେ ଯାହା କରିପାରନ୍ତି ବଡ଼ମାନେ ତାହା କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ News18ର ପ୍ରୟାସ ବାଇଜୁସ୍ ୟଙ୍ଗ ଜିନିୟସ୍। ଏହି ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। News18ର ବାଇଜୁସ୍ ୟଙ୍ଗ ଜିନିୟସ୍ ଅଡିସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେଘାଳୀ ମାଳବିକା। ମେଘାଳୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦେଶର ଗୁଗୁଲ୍ ଗାର୍ଲ ଓ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆଟ୍ଲାସ୍। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମେଘାଳୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମେଘାଳୀ, ଆଉ ମୁଁ ୱିସ୍ କରୁଛି କି ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶକୁ ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଏମିତି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଥାଅ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ News18, ଆମର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଜିନିୟସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି News18 ନେଟୱାର୍କର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏଥିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଣିପାରୁଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାରା ଦେଶରେ ଦେଖାଇ ପାରୁଛେ। ସମୟ ହୋଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।